सरदार प्रदर्शन में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और आप सबकी भावनाएं आप सब यहाँ पे पेश कर रहे, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अडानी ग्रुप कितना बड़ा घोटाला कर रही है और सारे वक्ताओं ने ये बात एकदम विस्तार से बताई और भाई चौधरी ने आपको सारी देश विदेश की सारी कहानी सुनाई और बताई। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं उस पर इसके लिए हम मकराना वासी सारे मकराना की विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि आप सभी को ये बात सुन जानकारी मिले इस बातों की कि हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारे राहुल गांधी जी जो लोकसभा के अंदर मोदी जी के सामने अंबानी और अडानी के बारे में फेस टू फेस उनसे बात करते हैं तो उनको भी मजाक में उड़ाया जाता है। आप सभी देशवासियों को जानकर ये बहुत ही अफसोस होगा कि ये बात जो हमारे कांग्रेस के मुख्य अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ में ऐसा हो रहा है तो हम देश के लोग उनके सामने कौन सी गाजर बोली है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जो काम काज के अंदर डिले हो रहा है, मतलब युवाओं को भी आज के जमाने में रोजगार नहीं मिल रहा। 10 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को इस तरह से डुबो दिया है कि देश किसी भी राह पे तरक्की नहीं कर रहा। जो लोग पैसे वाला है आज के जमाने में कोई पैसे वाला हो रहा है और जो गरीब है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा पुअर होती जा रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हमारे छोटे छोटे देश के अंदर छोटे छोटे गांवों के अंदर भी एक स्मार्ट पॉइंट नाम से जो हमारे देश के हमारा किराना शॉप जो स्मार्ट पॉइंट के नाम से खोली जा रही है, छोटे छोटे मतलब रोजगार तो वैसे ही बंद हो गए। उनके अंबानी और अडानी को इस चीज का इस चीज की जिम्मेदारी कौन दे रहा है, उसको इसका अधिकार कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, तभी वो हमारे छोटे छोटे गाँव के अंदर देश के अंदर रिलायंस नाम से जो शॉप खोले जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये छोटी छोटी जो किराने वाले शॉप है ये आज थोड़े टाइम के बाद सरकार मोदी जी को बीजेपी के रूप में अगर चुन लेंगे तो आज जो ये हमारे गोड़ापास के अंदर भी जो दुकानें दिख रही है वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि आपको पता होगा कि एक रिलायंस नाम से हमारे मकराना के अंदर स्मार्ट पॉइंट खुल रहा है और दूसरी रोड के अंदर खुल चुका है। क्योंकि वहाँ पे 5% के नाम से छूट दी जा रही है हर एक चीज को लेकर के अगर आप शक्कर लोगे तो 5% की छूट दी जाएगी, कुछ भी सामग्री लोगे तो 5% की छूट दी जाएगी। तो उसके लालच के अंदर सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे हमें पता है कि एक मोबाइल फोन वो भी एक अंबानी और अडानी ग्रुप का ही फोन था जो 500 रुपये के अंदर सिम के साथ में हमें फोन दिया गया था। आज वो कितने लोगों के पास फोन है? किसी के पास भी फोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रिचार्ज, क्योंकि हम सब स्मार्टफोन के चक्कर के अंदर चले गए और वो सिम कोई रह गई और सिम का रिचार्ज जो फ्री के अंदर था आज 700 रुपये का हो गया। आप उसको सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे करके जो ये काम होते जा रहे हैं वो सारे इनके ही किए तराए काम हैं। आप सभी आमजनों को ये बात में ध्यान रखनी होगी कि हमें उनको कैसे फेल करना है। क्योंकि जब तक सारे केंद्र सारे राज्य एक नहीं होंगे, सारी जनता इसका फैसला नहीं करेगी, तब तक हम सब एक नहीं होंगे। आज कांग्रेस वासी हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैंकों के सामने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बैंकों के सामने? क्योंकि सारे घोटाले बैंकों द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, इस